फाइलम मोलास्का। ये जो फाइलम है, फाइलम मोलास्का, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसका बॉडी, यानी इसके अंदर काफ़ी मुलायम बॉडी पाया जाता है, सॉफ्ट बॉडी पाया जाता है। संभवतः इसीलिए इसका नाम फाइलम मोलास्का है। इसका एक स्पेशल कैरेक्टर क्या है वो हम बताएंगे। पहले ये देखिए, ये है पाइला, जिसको हम घोंघा कहते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा आसपास के नदियों में, या फिर आपके अगल बगल में बहुत सारे ये घोंघा आपको मिल जाएंगे कहीं भी। तो ये एक है काइटोन, समुद्र में पाया जाता है मुख्य रूप से। एक होता है सीपिया। ये सब एग्जाम्पल है फाइलम मोलास्का का। एनिमल किंगडम में हम जानते हैं कि एनिमल किंगडम में पॉडीफेरा, सिलेंटरेटा, टीनोफोरा, मोलास्का, आर्थोपोडा, प्लेटी हेलिमेंथीस, एस्के हेलिमेंथीस, नीमेटोडा, कार्डेटा इत्यादि फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम में। इसमें से एक प्रमुख फाइलम है वो है फाइलम मोलास्का। तो फाइलम मोलास्का जो है, इसकी जो स्पेशलिटीज है, इसका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या है उसको हम जानेंगे आज। वो कैरेक्टर है, सबसे पहला है कि एक्यूटिक एंड टेरिस्ट्रियल बोथ। ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं, यानी जल में भी यह उपस्थित रहता है और स्थल पर भी पाया जाता है। सिस्टम्स आर एवेलेबल, इसके अंदर अंग तंत्र विकसित होते हैं और इसका जो बॉडी होता है, इसका जो शरीर होता है, वह सिगमेंटेड नहीं होता, यानी कि खंड युक्त नहीं होता। इस पर किसी तरह का कोई खंड नहीं पाया जाता। जैसे आप देखे होंगे केंचुआ के अंदर खंड पाए जाते हैं, सेगमेंट पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सेगमेंट नहीं पाया जाता है। बॉडी सॉफ्ट है एंड देयर स्पीड इज वेरी स्लो, और यह बड़ा ही मंद गति से, बहुत ही धीमी गति से यह चलता है। घोंघा को, पाइला को आप देखे होंगे, यह बहुत ही धीमी गति से चलता है। और इसके बॉडी के ऊपर, इसके शरीर के ऊपर एक कवर होता है, एक थीन मेम्ब्रेन होता है जिसको हम मेंटल कहते हैं, उससे यह ढका हुआ होता है। यह इसको बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद है बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इसके बॉडी तीन भागों में बटे होते हैं। एक इसका मेन बॉडी होता है, दूसरा इसके ऊपर का कवच हो गया, तीसरा इसका पैर हो गया। ये इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल पूर्ण विकसित होता है, फुल्ली डेवलप्ड। आहार नाल इसका फुल्ली डेवलप्ड है और बी लेटरल साइमेट्रिकल है। बी लेटरल साइमेट्रिकल इसका बॉडी है और डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, यह रक्त परिसंचरण तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। और इसके ब्लड का रंग, यानी इस समुदाय में पाए जाने वाले जीवों के ब्लड का रंग रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। इसमें रिस्पिरेशन गिल्स के माध्यम से होता है। तो आपने जान लिया फाइलम मोलास्का, एग्जाम्पल इसका है पाइला एंड काइटोन, और एक है सीपिया। तो इसके बाद हम जानेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। सारे फाइलम्स को मैं एक एक करके बताऊंगा। और यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, कंप्लीटली पूरे पैकेज लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7449690201 गौतम सर। अगर आप फुल्ली बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें।